दर्पण खादर जे जे कॉलोनी अड्डा कॉलोनी गालंदी कुंज रोड पुस्ता रोड, ये पूरा इलाका पानी से घिर चुका है। ये नोएडा की इमारतें दिख रही हैं, नोएडा की इमारतें भी डूब गई हैं। मजदूरों की झुग्गी झोपड़ियां भी इसी पानी में डूब चुकी हैं। पानी काफ़ी बढ़ चुका है, दिल्ली डूबने की आशंका है। जमुना किनारे के सारे घर डूब चुके हैं, लोग सड़कों पे आके अपना घेरा डाल रखे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यह है जमुना किनारे का सीन, जमुना अपने उफान पर है। यह है जमुना के पीड़ित लोग बाहर रोड पे आके अपना बसेरा बना चुके हैं। टोटल 2000 घर तो हो ही गए होंगे अब तक की, जो अपने रोडों पे बसेरा बसा रखे। यह है यमुना का लेफ्ट साइड का नजारा, और यह है यमुना का राइट साइड का नजारा। अभी तक हमने 2500 लोगों को गिन चुके हैं, लगता है 2500 से भी ज़्यादा 3000 के लमसम होने वाले हैं लोग। ये देखो लाइन के लाइन झुग्गी लगी हुई है, नीचे से लोग ऊपर आ चुके हैं। लोग बाग गरीबों की मदद कर रहे हैं, खाना भी बांट रहे हैं। अब तक हमने 6 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, अभी तक ऊपर के घर ख़त्म होने में नहीं आ रहे हैं। लगता है जमुना में काफी बसावट थी। बहुत ज्यादा ही पानी आ चुका है। आगे बाढ़ पीड़ित रिलीफ कैंप, बिरयानी तैयार हो रही है। बिरयानी तैयार हो रही है जी, पुलिस वाले सबसे पहले खाएंगे। यहाँ पे एक सर्कस लगा हुआ था, पूरा सर्कस डूब चुका है। इतने तो पीड़ित नहीं है जितने लोग पब्लिक देखने आई थी। पुलिस वाले भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं यहाँ लोगों को, ये रस्सी बांध रखी है, यहाँ से कोई नीचे ना जाए, अगर जो चला गया वापसी नहीं आ पाएगा। ये तो पानी और भी बढ़ गया, बस आज की राइड हमारी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं नए ब्रेक। जन वितरण राम सिंह नेताजी, पूर्व विधायक है ना, पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी का कैंप लगा हुआ है। दिल्ली 44 का सीन है ये। पूरी यमुना में 50,000 घर हैं, सारे घर डूब चुके हैं। कूड़ा बह के इधर ही आ गया सबका, कई लोगों का तो मकान ही छुप गया इसमें। लोगों का अनुमान यही है कि और पानी बढ़ेगा। नहीं, बढ़ गया पानी, हाँ कल से बढ़ गया पानी। देखो कहाँ तक आ गया, आज कितनी 15-14 है, आज 14 तारीख है। अंदर जानते हैं, सैलाब उमड़ आया है यहाँ लोगों का, बस आ
आज की हमारी राइड खत्म हुई।